वृश्चिक राशि वालों नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों, भगवान सूर्य देव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप सभी को ढेर सारी खुशियां देना, अपार धन संपदा देना, ताकि किसी को कभी कोई चीज की कमी महसूस ना हो। वृश्चिक राशि वालों, आज दोपहर 2:30 बजे के बाद भगवान आपको वो चीज देने वाले हैं जो आप 7 जन्मों तक याद रखोगे। जी हाँ, वृश्चिक राशि वालों, भगवान आपको छप्पड़ फाड़ के धन दौलत देने वाले हैं, लेकिन वृश्चिक राशि वालों, उसे लेने के लिए आपको आना चाहिए, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों, भगवान का दिया हुआ चीज हर कोई प्राप्त नहीं कर पाता है। जी हाँ, मुझे पता है आप अपने जीवन काल में बहुत परेशान हो चुके हैं, आपकी पैसों की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन दोस्तों अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ईश्वर आपके जीवन काल से सारे अंधेरे को दूर भगाने वाले हैं और आपके जीवन काल में केवल और केवल उजाले होने वाले हैं। दोस्तों एक कहावत है कि पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते हैं, ठीक उसी प्रकार इंसान के जीवन में कष्ट, दुख, दर्द, परेशानी आए बिना सुख नहीं आती है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में जब दुख दर्द हद से ज्यादा आने लगे तो समझ लेना कि आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही है, आपको इस घड़ी में कुछ नहीं करना है, बिल्कुल मौन रहना है, मौन होकर बस देखना है कि जिंदगी भी आखिर चल क्या रहा है, हमारे साथ हो क्या रहा है, क्योंकि परमात्मा के खेल जब शुरू होता है तो उनके आगे किसी की भी नहीं चलती है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आज की यह वीडियो आप सभी जातक एवं जातिकाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इन्हें आप थोड़ा सा भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक देखें। दोस्तों इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि आपकी समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं होगी और इस वीडियो में जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, लेकिन दोस्तों आपको इस वीडियो में बताई गई बातों को पालन करना होगा, अच्छे से सुनना होगा, अच्छे से समझना होगा, तभी आप इसका अच्छे से लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, लेकिन उससे पहले माता रानी के जो भी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार सच्चे मन से जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी लिखेगा, उन्हें माता रानी का तुरंत आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनके बिगड़े से भी बिगड़े काम फिर से बनने लगेंगे। तो आइए इसी के साथ बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आपके राशिफल से। वृश्चिक राशि वालों, आज दोपहर 2:30 बजे से भगवान आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। इसके उपरांत आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकातें होगी जो कि आपके लिए फायदेमंद होंगी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए तो हमने कहा है कि आज दोपहर 2:30 बजे से भगवान आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। किसी ऐसे आदमी से, किसी ऐसे शख्स से मुलाकात होगी जो कि दोस्तों आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देगी। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी एनर्जी फालतू के कामों में ना लगाएं। घर परिवार में कोई ऐसी बात हो सकती है जिसमें परिवार से खरी खोटी सुनने को मिल सकती है, लेकिन दोस्तों ऐसे सिचुएशन में आपको छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जानी है, नहीं तो दोस्तों अगर आप उसमें लटक गए, अटक गए, तो फिर परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। आप जितना हो सके घर परिवार में छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ेंगे तो ही आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। बिजनेस कर रहे किसी पर भी भरोसा ना करें, अन्यथा धोखा मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों बिजनेस एक ऐसा काम है जो कि अपने से ही दुश्मनी हो जाता है, इसलिए दोस्तों आंख मूंद कर भरोसा किसी पर भी नहीं करना है, नहीं तो परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, देखिए दोस्तों आज का जो दिन है विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, बेहतर रहने वाला है,
अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो उनका वो समस्या दूर हो जाएंगी। और सबसे अच्छी खबर यह है कि रोजगार की तलाश में भटक रहे इधर उधर लोगों को कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने दोस्तों व परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में समय व्यतीत करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नौकरी कर रहे लोगों को कोई नई नौकरी का ऑफर आ सकता है, लेकिन दोस्तों आपको अभी पुराने में ही टिके रहना बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मन में नकारात्मक विचारों को ना रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। जितना हो सके पॉजिटिव सोचने का प्रयास करें और हमेशा फ्यूचर की सोचने का प्रयास करें। जी हाँ, जो हो गया उसे बीतने का जो है भुलाने का प्रयास करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे जीवन में जो भी होते हैं वो सब ईश्वर के मर्जी से ही होते हैं। ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं और हमारे भलाई के लिए ही करते हैं। जी हाँ, यही सोचकर आपको आगे बढ़ जाना है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए बाकी के दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप रुपये पैसे का लेन देन बहुत ही सोच समझ कर करें, नहीं तो आपके लिए परेशानी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज आप किसी से उधार लेने से बचें, नहीं तो समस्या आपकी बढ़ सकती है। और इतना ध्यान रखना है, किसी को भी आज उधार भी नहीं देना है। जी हाँ, परिवार में यदि किसी सदस्य के विवाह में कोई बाधा, कोई अड़चनें आ रही थी तो वह दूर होंगी। इसके उपरांत राजनीतिक में कार्यरत लोग आज किसी बड़े नेता से मिल सकती हैं और किसी बड़े पद की प्राप्ति कर सकती हैं, जो कि पूरा परिवार आपका खुश रहेगा और आप भी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न नजर आएंगे। आपको आज किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आज थोड़ा बढ़ सकता है। बिजनेस कर रहे लोगों को अपनी डील बहुत ही सावधानी से फाइनल करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, कार्य क्षेत्र में आपको किसी व्यक्ति के कहने में आकर गलत बात के लिए हाँ करने से बचना होगा। कोई भी जवाब देने से पहले आपको दोबारा तिबोरा जरूर सोच लेना है, ये आपके लिए ही बेहतर होंगे। इसके उपरांत आप अपने जीवन साथी के लिए कोई उपहार लेकर आ सकती हैं, जिसमें आप दोनों के बीच चल रही अनबन भी समाप्त होगी। और आपको आज अपनी जिम्मेदारियों से घबराना नहीं है, बल्कि उनका डटकर सामना करना है। जी हाँ दोस्तों, समस्या कैसी भी हो उनका समाधान जरूर मिलता है। अगर आप ठंडे दिल से समस्या का समाधान ढूंढेंगे तो आपको समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिनका कोई दवा ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिनका कोई समाधान ना हो। आप ढूंढेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों गीता में साफ शब्दों में लिखा गया है कि जिस समय समस्या जन्म लेती है उसी समय समाधान भी जन्म लेता है। लेकिन इंसान को जरूरत होती है बस सही समय पर सही चीज उपयोग करने की। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आप अपने मन की बातों को किसी से शेयर ना करें। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में क्या चल रही है, कौन से कार्य आप करने वाले हैं, एक दूसरे को शेयर करने से बचिएगा, आपके साथ धोखा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने पार्टनर के साथ किसी बात पर ना उलझें, उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित हो सकती हैं, जहां आपकी कुछ रसूखदार लोगों से मुलाकातें होगी और काफी आपको जो है प्रसन्नता महसूस होगी। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर समय आपके लिए मौज मस्ती से भरा रहने वाला है। गृहस्थ जीवन जी रहे लोग अपने साथी के साथ कहीं घूमने फिरने की योजना बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप किसी मित्र के कहने में आकर किसी बड़े निवेश संबंधित योजना में हाथ न डालें, नहीं तो समस्या हो सकती है। लंबे समय से यदि आपकी कोई अच्छी पुरानी नहीं इच्छा पूरी नहीं हो रही थी तो वो इच्छा भी अब आपकी पूरी होने वाली है।
जी हाँ, आप घर परिवार में भजन कीर्तन पूजा आदि का जो भी है आयोजन करा सकते हैं, जिससे आपके घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी और आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा समय है। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपको परिवार में किसी सदस्य की कोई बात बुरी लग सकती है, लेकिन फिर भी आप कुछ ना करें। जी हाँ, आपके तरक्की के मार्ग में यदि कुछ बाधा आ रही थी तो वह भी धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से दूर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज कोई बड़ा लेन देन बहुत ही सोच समझ कर करें, नहीं तो आपके लिए जो है दिक्कत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आर्थिक स्थिति को लेकर आप लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि आपका रुका हुआ धन मिल सकता है। आप अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें, नहीं तो कार्य क्षेत्र में कोई विवाद वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मीठे वाणी का प्रयोग करें और सभी से अच्छे व्यवहार रखें। आज आपके सभी कार्य बिना रुकावट के बिना परेशानी के पूरे होते जाएंगे। खान पान में आज जो है शायद तो भोजन लें, नहीं तो कोई पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों, आज का दिन आपके लिए किसी बड़े जोखिम को उठाने से बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने पार्टनर के साथ अपने विचारों को भी साझा करेंगे, लेकिन यदि आपका कोई मित्र आपको कोई सलाह दे तो आपको उस पर बहुत ही सोच समझ करके चलना होगा। जी हाँ दोस्तों, आंख मूंद कर आज के दिन आप किसी के भी ऊपर भरोसा ना करें, नहीं तो दिक्कत होगा। किसी नए प्रॉपर्टी को खरीदने का सपना आपका पूरा हो सकता है। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं के लिए अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी। जी हाँ, उस समस्या का समाधान मिलेगा। माता पिता से आप अपने मन की इच्छा को जाहिर कर सकती हैं। व्यवसाय में आपने यदि कोई जोखिम उठाया हो तो उसे आपको कोई समस्या हो सकती है। सितारे कहते हैं आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से फलदायक रहने वाला है। जी हाँ, परिवार के सदस्यों के साथ आप कहीं घूमने फिरने की योजना बना सकती हैं और किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आप परिवार के सदस्यों के साथ जाने की योजना भी बना सकती हैं। छोटे बच्चों के लिए आप कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर आ सकते हैं, जिससे उन्हें खुशी होगी। जी हाँ, और जो राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत हैं उन्हें अपने कामों पर फोकस रखना होगा, तभी उनके काम पूरे हो सकेंगे। आज आपका जीवन साथी से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है। जी हाँ, देखिए दोस्तों, आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और आप समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे। आपको यदि परिवार में किसी सदस्य के कैरियर को लेकर कोई निर्णय लेना पड़े तो बहुत ही सावधानी से लें। यदि आपने पहले किसी योजना में धन लगाया था तो वह आज आपको अच्छा लाभ देगा। जी हाँ, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी। आपके पिताजी को कोई शारीरिक कष्ट होने के कारण आप परेशान रहेंगे, इसलिए आप इधर उधर के कामों पर ज्यादा ध्यान ना लगाएं। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। और दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जो लोग व्यापार करते हैं व्यवसाय करते हैं उनके लिए थोड़ा सा कमजोर रहने वाला है। जी हाँ, आपकी कुछ योजनाओं पर आज विराम लग सकता है, लेकिन आपके व्यवहार से भी आपके साथी परेशान रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको उसमें बदलाव लाना होगा और आपका मन किसी परिचित व्यक्ति से मिलकर खुश होगा। यदि आपने कोई डिसीजन लिया तो उसमें आपको समस्या हो सकती है, इसलिए कोई भी निर्णय कोई भी डिसीजन आप बहुत ही सूझबूझ कर ही लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा।
जी हाँ दोस्तों, आपको यदि आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर कोई चिंता सता रही थी तो वह भी दूर होगी और आप किसी बचत की योजना में भी धन लगा सकती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, अगर हो सके तो ये उपाय आप जरूर करना। इस उपाय में आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। अगर आपको बार बार किसी काम में बाधा आती है या फिर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाती हैं, रुक जाती हैं, तो सुबह उठकर स्नान करके पूजा करें और भगवान की आरती करते समय दीपक में दो लौंग डाल दें। जी हाँ, उसके बाद जैसे जैसे लौंग जलता जाएगा आपकी बाधाएं, आपकी समस्याएं दूर होती जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, बिगड़े काम को बनाने के लिए आप लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी जो है सभी प्रकार की समस्याएं, सभी प्रकार की बाधाएं दूर होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, परिवार के सदस्यों का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं से आज आपको राहत मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हमने कहा है कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, अति उत्तम रहने वाला है। आपको संतान के कैरियर की चिंता थोड़ी बहुत सता सकती है, लेकिन अगर आप सही समय पर सही डिसीजन लेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जी हाँ, अपनी जिम्मेदारियां जो है खरे उतरेंगे, जिसे देखकर परिवार के सदस्य भी आपसे प्रसन्न होंगे। लेकिन आप अपने किसी कामों को लेकर यदि लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो आपकी वह समस्या भी आज दूर होगी। जी हाँ दोस्तों, भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल से सभी प्रकार की परेशानी, सभी प्रकार के दुख दर्द खत्म होने वाले हैं। आज के दिन आपका पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। जी हाँ, और राजनीतिक क्षेत्र में हाथ आजमा रहे लोगों को आज किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। आपके कुछ विरोधी आपके बनते कामों में रोड़ा अटकाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिनसे आपको बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो वो लोग आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर देवों के देव साक्षात महादेव जी का हाथ है। यदि आपका कोई लंबे समय से कार्य रुका हुआ था तो वह भी देवों के देव भगवान महादेव जी के आशीर्वाद से पूरा होने वाला है, जिससे के बाद जो है तनाव आपका कम होगा। लेकिन आप किसी के कहने में आकर आज कोई बड़ा निवेश करने से बचिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप दूसरों के कहने पर आकर कोई निवेश करते हैं तो आगे चलकर आपको दिक्कत हो सकता है। कहीं पर भी निवेश करने से पहले आप दोबारा जरूर सोच लें, और अगर आपके घर में कोई एक्सपर्ट जानकार व्यक्ति है तो आप उनसे सलाह मशवरा ले लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बिजनेस में आज कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, जिससे आपको खुशी होगी और आपके साथ साथ आपके पूरे घर वालों को भी खुशी होगी। जी हाँ, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। व्यवसाय में आपको किसी अपरिचित व्यक्ति से आज लाभ हो सकता है। जी हाँ, कोई अनजान व्यक्ति है जिसको आप नहीं जानते हैं, उनसे आज आपको लाभ हो सकता है, लेकिन सतर्क रहिएगा, आपको धोखा भी मिल सकता है। जी हाँ, और कार्य क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अधिकारियों द्वारा आज आपको प्रमोशन भी मिल सकता है, लेकिन आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं के लिए अपने गुरुजनों से बातचीत करनी होगी, और यदि घर परिवार में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था तो उसे घर से बाहर न जाने दें, नहीं तो लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात का आप ही को ध्यान रखना होगा, नहीं तो आगे चलकर आप ही को पछताना पड़ेगा। आज का दिन आपके लिए विशेष कर दिखाने के लिए रहेगा। जी हाँ, आप अपनी जरूरत की कुछ वस्तुओं की खरीदारी पर भी अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। आप किसी भी वाद विवाद में ना पड़े और अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें। यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज आप समय निकालने में कामयाब रहेंगे। जी हाँ, और आपने यदि कोई काम मन में सोच कर रखा था तो वह भी आज पूरा हो सकता है।
जिसके बाद परिवार के किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होगा और छोटे बच्चे मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगे। सितारे कहते हैं, आज का दिन आपके लिए किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए रहेगा। जी हाँ, समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो कोई दुर्घटना हो सकती है, ऐसी ग्रह सितारे हमें संकेत दे रहे हैं। यदि जीवन साथी से आपके कुछ मतभेद चल रहे थे तो वह भी आज के दिन दूर होंगे। जी हाँ, व्यापार में आपको अपनी आंख व कान खुले रखकर आगे बढ़े, नहीं तो आपको कोई समस्या हो सकती है, कोई आपको धोखा दे सकता है। विरोधी आपसे बहुत प्यार से पेश आएंगे, जिन्हें आपको पहचानना होगा। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो दिक्कत होगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे आपका मन खुशी के मारे गदगद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, अगर हो सके तो ये उपाय आप जरूर करना। इस उपाय में आपको कोई भी पैसा, कोई भी पूंजी नहीं लगेगा। जी हाँ, आपको सच्ची श्रद्धा के साथ सच्चे मन से ये उपाय करना है। यदि आप दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाना चाहती हैं तो प्रतिदिन अपने छत पर मिट्टी के पात्र में पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कर दें। इससे धीरे धीरे आपकी समस्याओं का अंत होने लगेगा और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगेगा। इसके साथ ही अपने घर के बाहर भी पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इससे माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो ये छोटा सा उपाय है, अगर आपको समय मिलता है, मौका मिलता है तो आप जरूर करना, इसका लाभ आप अपनी आंखों से देखोगी। जी हाँ, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आप एक नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो वह आज के दिन कर सकती हैं, जिसमें आपके परिजनों का पूरा साथ मिलेगा। आप संतान को कोई वाहन भी दिलवा सकते हैं और परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना भी बना सकती हैं। जी हाँ, आर्थिक स्थिति को लेकर यदि आप लंबे समय से परेशान चल रहे थे तो वह पहले से मजबूत होगी और आपका कोई पुराना कर्ज भी काफ़ी हद तक समाप्त होगा, जो आपको खुशी देगा। जी हाँ,